हम दोनों को लाइक मुझे और मेरे हबी को बहुत दिनों से देख रहे हो, यू नो कि वी हैव नाउ बिकम एक्सपर्ट इन सर्टेन प्लान्स, क्योंकि प्लान तो सक्सेसफुल नहीं होता है ना. सो बिना प्लान के जो प्लान्स होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं. एनीवेज, ज्ञान नहीं देती हूँ तो बात करती हूँ कि आज हम लोगों ने सर्टेन प्लान क्यों किया. सो गाइज, यस्टरडे आई वाज लाइक स्क्रॉलिंग थ्रू फेसबुक एज आई डू रेगुलरली, एंड मुझे पता चला कि कोलकाता में मंडी आई हुई है. ओह माय गॉड गाइज, लाइक यू नो लाइक दोज आर फॉलोइंग फॉर लास्ट वन ईयर, यू नो आई यूज़ टू स्टे इन हैदराबाद. अभी लॉकडाउन के कारण एंड ऑल दिस कोरोना सिचुएशन आई एम माई नेटिव प्लेस कोलकाता, बट यू नो हाउ मच आई लव मंडी राइट. और कोलकाता में मंडी नहीं मिलती थी पहले, एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एनी मंडी रेस्टोरेंट, एनी अरबिक फूड रेस्टोरेंट हैज कम एज फार आई नो. एटलीस्ट मंडी अरबिक रेस्टोरेंट कुछ है आई गेस लेबनीज एंड ऑल, बट मंडी तो भाई नहीं थी. एंड इट्स हियर, सो वी थॉट कि भाई वेट नहीं करते बस चले जाते हैं, एंड सुडे वी आर गोइंग देयर, बट नॉट गोइंग राइट नाउ बिकॉज आज 24 December है. जस्ट आर डे बिफोर 25 December, दैट इज क्रिसमस. एंड ऑन दैट नोट, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइज, बिकॉज आई नो आई विल बी अपलोडिंग इट ऑन 25 December ओनली. सो आज ही है क्रिसमस, लाइक आज मतलब आप लोग जब कल देखोगे तब होगा क्रिसमस. सो मेरी क्रिसमस, स्टे सेफ, अगर ज़्यादा भीड़ हो तो मत जाओ. इवन वी आर नॉट प्लानिंग एनीथिंग फॉर 25 बिकॉज ज़्यादा भीड़ होगा, एंड यू नो ना कोरोना 2.0 हैज ऑलरेडी कम, तो इट्स बेटर वी स्टे होम. सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आज तो 24 December है एंड द रेस्टोरेंट इज इन पास्टिट ओनली. सो हम लोगों ने सोचा पास्टिट अगर जा ही रहे हैं तो पास्टिट का थोड़ा वॉक कर लेते हैं. एंड दोज डोंट नो मच अबाउट कोलकाता, लेट मी टेल यू, पास्टिट इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस व्हेन इट कम्स टू क्रिसमस और न्यू ईयर, बिकॉज ऑल द पब्स एंड रेस्टोरेंट्स एवरीथिंग इज देयर, एंड बहुत सुंदर से सजाते हैं वो रोड. आई विल शो यू शॉर्टली, एंड आई होप अभी हम लोग जो चर्च जा रहे हैं सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च जो बहुत फेमस है इधर, वो खुला रहे. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो हम लोग रेस्टोरेंट जाने से पहले जो करेंगे वो भी हम दिखाएंगे, एंड डेफिनेटली कोलकाता में मंडी कैसा है इस रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट कौन सा है, सब कुछ बताएंगे. तो देखते रहो, लाइक कर दो वीडियो, क्योंकि यू नो आई ऑलवेज कीप ऑन कमिंग विथ सो मेनी इंफॉर्मेशन एंड फन फॉर यू ऑल. आई लव यू ऑल. सो लाइक करो, शेयर करो, बिकॉज इफ यू आर न्यू टू मंडी, यू आर फ्रॉम कोलकाता, नेवर टेस्टेड मंडी, देन आई एम श्योर दिस ब्लॉग इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल. तो शेयर भी कर देना, और मुझे अगर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आई मेक व्लॉग्स ऑन ट्रैवल, फूड, कॉमेडी, डेली एक्सपेंसेस एंड एनी एक्सपेंसेस विच कम अक्रॉस. सो गाइज डू सब्सक्राइब और दबा देना बेल. बाय द वे, चलो चलो अभी बेल बजा के भाग मत जाना, चलो व्लॉग देखो. सो गाइज वी केम टू द चर्च, बट हम लोगों को लगा ही था कि बंद रहेगा, क्लोज रहेगा, बिकॉज आजकल तो मंदिर चर्च ये सब बंद ही है ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन. और मैंने देखा कि आज इफ़ यू आर मेम्बर ऑफ दिस चर्च देन ओनली यू विल बी एबल टू कम एट midnight. अदरवाइज कल अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो यू हैव टू कम बिटवीन 2 PM अप टू 2 PM इट विल बी ओपन, आफ्टर दैट इट विल क्लोज. तो फिलहाल अभी हम लोग वॉक ले रहे हैं, एंड लेट्स सी वेयर वी गो, वी हैवंट प्लान्ड इट, वी आर जस्ट वॉकिंग. भीड़ तो काफ़ी है, दैट्स वाई आई टोल्ड यू इट्स बेटर नॉट टू कम दिस टाइम, दैट्स वाई यू आर अवॉइडिंग द फुटपाथ, बिकॉज फुटपाथ इज वेरी क्राउडेड. इट्स बेटर टू वॉक बाय द रोड, बिकॉज थोड़ी बहुत तो खाली है रोड इफ यू सी. एंड देयर गोज सांता, मेरी क्रिसमस टू यू गाइस अगेन. It's in first floor in this building, and it's just opposite the Golden Siraj restaurant. See, here it's written Barkas first floor. So let's go inside.
I am going to have Monday. So it's Burger's Restaurant. So as I showed you before also, like, they got sitting arrangement like this on the floor. Oh, avoid my tummy, okay? So they got, okay, what I was saying. So yeah, they got the sitting arrangement, this beautiful sitting arrangement, and also they got table. So you know, in Arabic restaurant, oh, you guys have seen my Mandi vlog of Hyderabad, right? So there you also saw that we're sitting on the floor. Here the floor is more beautiful, so decorative. So you can come with your family, friends, and like, you will get a corner. So we are at the last corner, and it's really beautiful. They have got all these cushions, so many cushions. Here goes he lazing around, and their menu is really lot. Like, they got a lot of things. The menu is huge, and so we have ordered Arabic fish. And then Mandi, mutton juicy Mandi, after so long time. Like, we came from Hyderabad in June, right? Yeah, it's June, July, August, September, October, November, December. Oh God, after 7 months, we're going to have Mandi. How are you feeling, hubby? Biryani is dumb cooked, but it's cooked in underground in a pit, and so bahut hi soft aur bahut hi juicy hota hai. Mutton actually steamed hota hai, logo ka chicken grilled hota hai, and bahut ek masaladar hota hai, aromatic hota hai, and very different from our biryani. So don't confuse with biryani, it's an Arabic dish. So if you are from Kolkata and you have never tried, you must come here. And how's the food, what's the taste, I'm telling you shortly. So here goes the Arabic fish. So it's basically bhetki fish. It looks really crispy. So two pieces. So I was talking about, like, how's the food. So food aa gayi hai, starters aa gayi hai, and it's Arabic fish fry. It looks really crispy, mayonnaise tea we have. Now let's taste carefully. It's so good, guys, it's melting. So guys, you can see how soft it is. The piece is so soft. Mayonnaise lagao. I'm super impressed. इतनी अच्छी अरबिक म्यूजिक चल रही है बैकग्राउंड में, एंड उसके साथ इस विंटर में इतना क्रिस्पी फिश, इज सो गुड. सो आई हाईली रिकमेंड, इफ यू आर गोइंग फॉर स्टार्टर्स, डू ट्राई दिस फिश, दिस अरबिक फिश. और इतना स्पेशियस है, तो दैट्स द मोस्ट, लाइक, आई एम लविंग द स्पेस. देखो कितना स्पेस है, एंड सो इट्स वेरी गुड. एंड कोरोना के टाइम डिस्टेंस मेंटेन बहुत अच्छे है, क्योंकि इस कैबिनेट से उस कैबिनेट में बहुत डिस्टेंस है. सो दैट्स अ रियली गुड थिंग. द मटन पीसेस आर सो डेलिकेट, यू सी, सो टेंडर. सो 1, 2, 3. Oh God, guys, I can't tell you how happy I'm feeling. This, like, Mandi is my soul food. I love it so much, more than even biryani. And guys, one thing, I'm using spoon just because of this corona situation. I don't want to use my hand, but it's better if you use, like, have it with your hand. And you can see it's a half Mandi, and it's so, इस अमाउंट इज सो ह्यूज. सो सोचो फूल अगर लोगे तो कितना होगा, बट इट सफिशियंट फॉर टू.
तो अभी हम खाते हैं और फिर लास्ट में बताएंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, ठीक है? Guys, another thing, FYI, you don't need any side dish for mandi because this chicken broth or marak, what we call it, comes with mandi and also salan and sometime tomato chutney. Here they give salan, it comes along. So don't worry, you don't need any side dish because already the rice is so moist and this broth and salan just make perfect add-ons. Guys, we are halfway through our mandi, still much amount left. Okay, oh my god, I'm sorry, I'm feeling full and still it left, but we'll eat slowly. So one thing I thought to share with you guys is that if you guys taking a starter, then don't take full mandi. For sure take half mandi. That this is half mandi only, still we are feeling full because mandi amount is really big and it's really good if you come with four people because that's really good to share. You can sit around the tool and eat together. If you are from Hyderabad and watching this, I know you already know this, but I'm telling for all my Kolkata people and if anyone who don't know about mandi, for them. The texture is so good. I mean, like the fact that it's not so sweet, very very thick texture, nicely gripped. So yeah, now I'm thinking how should I rate. So if I rate the Arabian fish, it will be 4 out of 5, or maybe 5 out of 5. Mandi, 4 out of 5. Why not 5 out of 5? Because it can improve definitely. Maybe more dried nuts, the salad and all the things can improve too. The rice was really good. And dessert, 5 out of 5, because I love this. And ambience, it's 200 out of 100 because ambience is so good. And thank you guys for watching my this vlog. I hope you have enjoyed this updated vlog. So I tried to give you guys information as much as I can. So like, share, comment, subscribe, or the bye.